नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी के यूडीसी, एमसी, एमटीएस और स्टेनो के लिए सेफेस्ट जोन के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ हो सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जोन से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, तो जो मुझे लगता है जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा उसको मैंने यहाँ शामिल किया है, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक आप देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि वैकेंसी कितना है। 3882 वैकेंसी है, 3882 वैकेंसी है ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनोग्राफर में, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट यूडीसी का है। एज लिमिट 27 साल है मैक्सिमम और एमटीएस का 25 साल है। अगर हम बात करें हरियाणा का वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि हरियाणा का वैकेंसी बढ़ा हुआ है और ये हमारे पास वैकेंसी टेबल है ईएसआईसी का रीजन वाइज है, ठीक है, जिसमें आप सकते हैं, आपको पता होगा वैकेंसी किसमें कितना है। तो जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सेफेस्ट जोन होगा, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ है दोस्तों इस बार कम जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ सेफ जोन हो सकता है और यहाँ पे वैकेंसी पे आपको नहीं जाना है। मुझे जहां तक लगता है कि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है। चलिए पहले नंबर पे मैंने छत्तीसगढ़ को रखा है। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि गोवा का कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जा सकता है। इस बार गोवा का भी कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। गोवा से भी आप सेफ हो सकते हैं। जितने भी ग्रीन जोन है सभी को मैंने ग्रीन कर दिया है। और यहाँ पे देखिएगा हरियाणा का वैकेंसी 96 से 130 है, तो हरियाणा वाले बच्चे हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ कम गया था हरियाणा का। कट ऑफ पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत जल्द है हम आज ही कट ऑफ पे वीडियो लेके आएंगे, तो उसे भी आप लोग देखिएगा, तो उसे एक आप लोग को बेटर आइडिया मिलेगा। झारखंड का कट ऑफ हाई जाएगा, हिमाचल प्रदेश से का कट ऑफ भी हाई जाएगा इस बार, और कर्नाटका का कट ऑफ हो सकता है कि कम जाएगा। मेरे हिसाब से कर्नाटका का कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। कर्नाटका का लास्ट ईयर भी ठीक ठाक एवरेज कट ऑफ गया था, बट इस बार भी आपको 200 में से 150 155 के आसपास हो सकता है। कर्नाटका 155 भी रहता है तो मुझे लगता है कि सेफ होगा इस बार के हिसाब से, ठीक है। महाराष्ट्र भी सेफ जोन है क्योंकि ब्लू किया है मैंने, तो ये एवरेज कट ऑफ जोन होगा, मतलब 160 155 के बीच में। हो सकता है कि 200 में से यहाँ कट ऑफ लाई करेगा अगर पेपर का लेवल आसान हुआ तब। लास्ट ईयर जैसा पेपर का लेवल हुआ तो यहाँ कट ऑफ है एवरेज देखने को मिलेगा, मतलब यहां से आप फाइट कर सकते हैं। अहमदाबाद गुजरात से भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने ग्रीन किया हुआ है उससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद यही ग्रीन वाले जोन रेड में कन्वर्ट हो जाए, इसका गारंटी मैं नहीं लूंगा, बट मुझे जहां तक लगता है कि ये सब जोन सेफ होने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, अब आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए। तमिलनाडु भी मुझे लगता है सेफेस्ट जोन होगा, तमिलनाडु से भी कट ऑफ कम जा सकता है। अब तेलंगाना जो है, तेलंगाना इस बार जितने भी साउथ में रीजन है उनमें सबसे कम कट ऑफ जा सकता है तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना में वैकेंसी कम है और बच्चे जहां कम वैकेंसी होता है वहां ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही ट्रेंड बना हुआ है। तो तमिलनाडु, मुझे अभी तक लगता है कि तमिलनाडु का कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, सबसे कम साउथ में सबसे कम तमिलनाडु का हो सकता है या तेलंगाना का हो सकता है। तेलंगाना को मैंने फिलहाल ब्लू इसलिए किया है क्योंकि वहां वैकेंसी कम है, तो वहां अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि तेलंगाना कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे तेलंगाना में इंटरेस्टेड है। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, आपको इंग्लिश आपको आता है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आना ही चाहिए, इंग्लिश से आपको आता है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार मैं बताऊं, साउथ में मुझे लगता है कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा सेफ होगा, ठीक है। जो मुझे आप सेफ लगता है वो एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं। महाराष्ट्र से आप चाहे तो भर सकते हैं, एवरेज जोन है, जो ब्लू मैंने किया वो एवरेज जोन है। कर्नाटका हो सकता है कि सेफ होगा, पर तमिलनाडु इससे भी कम जाएगा, कर्नाटका से भी कम जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर हालांकि कर्नाटका का कम गया था। उसके बाद अगर हम बात करें, हरियाणा भी लास्ट ईयर कम था, एवरेज था। गोवा का भी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ का भी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हो सकता है कि एवरेज हो जाए, 150 तक चला जाए, बट कम कट ऑफ होगा छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़, गोवा, साउथ में तमिलनाडु सेफ है, उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद अगर हम देखें महाराष्ट्र और अहमदाबाद उसके बाद आएगा, और उसके बाद है जो बच गया, ठीक है ना। तो ये सब स्टेट जो मैंने ग्रीन किए हैं वो बिल्कुल सेफ है, जो ब्लू किए हैं वो एवरेज जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से चाहे तो आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी आप लोगों को पता है कि इंक्रीज हो गया है, अभी 1735 से इनिशियल निकला था और वैकेंसी हो गया 1769 यूडीसी का, और 1948 हो गया एमटीएस का, टोटल हो गया 3882 वैकेंसी, ठीक है। तो ये वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो कट ऑफ इस बार एवरेज आपको देखने को मिल सकता है। और जो मैंने जोन बताया वहां पे आपको
मिनिमम कट ऑफ मेरा उम्मीद है कि मेरे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो से आप लोग का फायदा हो रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने कट ऑफ का वीडियो आएगा, कट ऑफ भी आप लोग देख लीजिएगा प्रीलिम्स और मेंस का, और अनुमानित कट ऑफ मैं अभी बता दूंगा कि कितने मार्क्स के लिए आपको तैयार करना चाहिए अपने आप को, ठीक है ना। तो ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और भी किसी टॉपिक पर आप लोग को चाहिए होगा वीडियो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। थैंक यू।